डीपीआरओ हमीरपुर विनय शर्मा का तबादला। कांगड़ा जिला में होने पर प्रेस क्लब हमीरपुर ने प्रेस रूम में विदाई समारोह का आयोजन किया, जिसमें प्रेस क्लब के अध्यक्ष दिनेश कंबर, वरिष्ठ सदस्य विक्रम डडवालिया के अलावा भाजपा सह प्रवक्ता नरेंद्र अत्री, कांग्रेस नेता दीपक शर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डीपीआरओ विनय शर्मा को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। डीपीआरओ विनय शर्मा ने प्रेस क्लब का इस तरह से कार्यक्रम के लिए आभार जताया और सभी पत्रकार बंधुओं के साथ बिताए हुए पलों को सदैव यादगार बताया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में इतने सालों का सफर बहुत ही बढ़िया रहा है और जीवन भर याद रहेगा। प्रेस क्लब अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने यहां मेरे लिए यहां विदाई समारोह आयोजित किया है और जितने वर्ष यहां पर काम किया है मुझे कभी नहीं लगा कि मैं एक डीपीआरओ के तौर पे यहां काम कर रहा हूं। कि जब यहां से मैंने पत्रकारिता का सफ़र भी हमीरपुर से शुरू किया था तो मैं उसी अंदाज में उसी तरीके से अपने आप में आनंदित महसूस करता रहा इस काम को करते हुए और मुझे अच्छा लगा, मुझे इस तरह से लगा कि मैं अपना एक परिवार है, सारा मीडिया के लोग अपना परिवार है और बीच में कई बार किसी तरीके की दिक्कतें भी हो जाती हैं और कई बार हो सकता है किसी की नाराज़गी भी रही हो, लेकिन मैं उस सब के लिए आज पुनः क्षमा मांगता हूँ। एक छोटा भाई होने के नाते आप सबके बीच मैंने काम किया है और अब जब धर्मशाला में जाऊंगा तो आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि धर्मशाला जब भी आओ तो मुझे कॉल अवश्य करें और साथ में जो भी व्यवस्था होगी रहने ठहरने की किसी भी तरीके का कोई, तो उसके लिए मैं आप सबका जो है वो अभिनंदन करूंगा। वहीं प्रेस क्लब हमीरपुर के अध्यक्ष दिनेश कंवर ने कहा कि डीपीआरओ का तबादला होने पर उन्हें विदाई पार्टी दी गई है और डीपीआरओ के हमीरपुर में रहते हुए बढ़िया कार्यकाल होने पर सभी पत्रकारों ने डीपीआरओ की प्रशंसा भी की। हमारे प्रिय मित्र और जिला लोक संपर्क अधिकारी विनय शर्मा जी का तबादला धर्मशाला के लिए हुआ है, तो इस संदर्भ में हमने आज उनको विदाई समारोह आयोजित कर विदाई दी है और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं कि वो आगे जाकर अपनी नए दायित्व को बखूबी निभाएं और उनका धन्यवाद किया है कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले 7 साल हमीरपुर में हम लोगों को सेवाएं दी हैं, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया और प्रशासन के बीच में संपर्क, सरकार और प्रशासन मीडिया के बीच में सब जगह संपर्क बना के रखा, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हम चाहते हैं कि वो आगे अपनी बुलंदियाँ छुएं और अपने प्रोफेशन में और बढ़िया काम करें। हमारी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमने उन्हें यहाँ से आज रवाना करने का एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर पत्रकार पंकज भारतीय, संजय शर्मा, नीलकांत, अशोक कटोच, अरविंदर सिंह, अनिल शर्मा, जसवीर कुमार, देशराज कौशल, रजनीश शर्मा, उमेश कुमार, कमलेश, मुकेश, विशाल, सुशील, राकेश पाल, नवनीत सिंह, मंगलेश कुमार, अश्विनी कुमार इत्यादि मौजूद रहे।